कला संस्कृति विभाग एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कला संस्कृति विभाग के पदाधिकारी और मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी डीएम साथ ही साथ जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे और हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बताते चले कि नशा मुक्ति को लेकर यह मैराथन दौड़ आयोजन किया गया। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन 6 नवंबर यानी आज पूर्व पोखरा भभुआ को दादरा होते हुए कसेर भगवानपुर तक आयोजित की गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला मुख्यालय में मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर एवं 10 किलोमीटर वर्ग में बालक और बालिका कोटि के लिए अलग अलग आयोजित हो। आपको बता दें कि मैराथन दौड़ का आयोजन पूर्वाह्न 7 बजे से भभुआ पूरा पोखरा से दादरा रोड होते हुए कसेर भगवानपुर तक किया जाएगा। प्रथम श्रेणी मैराथन दौड़ के प्रतिभागी की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। बालक बालिकाओं की दौड़ 5 किलोमीटर होगी, महिलाओं की दौड़ 5 किलोमीटर की होगी, जबकि पुरुषों की दौड़ 10 किलोमीटर की होगी। यह दौड़ बालक एवं बालिका कोटि में अलग अलग आयोजित की जाएगी। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3,000 रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 2,000 रुपये एवं चौथे से 10वें स्थान तक रहने वाले प्रतिभागियों को 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा प्रतिभागियों को नशा मुक्ति अभियान के लिए आयोजित मैराथन प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी है और ये मैराथन आज हुआ। मद्य निषेध विभाग की तरफ से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस बार उसके नेक्स्ट डे मतलब कि 27 नवंबर को हम लोग पटना हाफ मैराथन का भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नशा मुक्ति दौड़ के रूप में, नशा मुक्त बिहार दौड़ के रूप में, और उसी के ट्रायल रन के रूप में और जिला प्रशासन पटना के अपने आयोजन के अंतर्गत इसको एक ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि 27 नवंबर की जो हाफ मैराथन होगी उसका एक प्रीकर्सर या उसका एक ट्रायल रन भी कहा जा सकता है। आज इसमें बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियाँ सभी लोग अपना अपना प्रदर्शन करेंगे और इसमें से जो विजेता होंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा। समाज को जागरूक करने के लिए कोशिश, हाँ, ताकि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हों, गलत आदतों को लोग छोड़ें, नशे के प्रति लोग का जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो कि ये गलत चीज़ है, उसके उससे दूर रहें, युवा हमारे उससे दूर रहें, उसी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। कला संस्कृति युवा विभाग एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा पिछले साल भी पटना हाफ मैराथन किया गया था नशा मुक्ति बिहार के थीम पर। उसी तरह इस साल भी हम लोग कर रहे हैं नशा मुक्ति दौड़ का आयोजन। ये पटना हाफ मैराथन है और पिछली बार जो हमारा रिस्पांस मिला था वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, खासकर युवाओं के बीच में। तो इस बार हम लोग और भी बृहद तरीके से कर रहे हैं। जो मेन दौड़ होगी वो 27 नवंबर को होगा, गांधी मैदान से होगा। अलग अलग कैटेगरीज के हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग प्रमंडल वार 7 तारीख को, 13 तारीख को और 20 तारीख को, यानी कि 3 रविवार को अलग अलग प्रमंडलों में ये नशा मुक्ति दौड़ और हाफ मैराथन कर रहे हैं। और आज जो है उसी कड़ी में आज पटना में, भागलपुर में और गया में, इन तीनों प्रमंडलों में के सभी जिलों में नशा मुक्ति दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को नशा से छुड़ाएं और एक युवाओं को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे, एक पॉजिटिव एक्टिविटी दे। नशा मुक्ति को लेकर आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन पटना की तरफ से नशा मुक्ति बिहार दौड़ ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें अंडर 16 एवं अबव 16 दो कैटेगरीज के लिए 5 और 10 किलोमीटर की रेस है। काफ़ी अच्छी संख्या में पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे स्कूल से भी बच्चे हैं, वॉलंटियर्स भी हैं। हमारे पास लगभग 1500 से 1600 लोग प्रतिभागी इकट्ठा हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक बिल्डअप भी है जो 27 तारीख को पटना हाफ मैराथन है उसका भी, और नशा मुक्त बिहार के लिए जो लोगों के अंदर जो प्रोत्साहन है और अच्छी खासी संख्या में प्रतिभागी आए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो भी इवेंट हो उसमें अच्छे से प्रतिभागी।